हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इलन वी दुर्गेश में। आज हम लोग फ्रेंड एक नई सीरीज, एक नई क्लास का शुरुआत करें, जिसमें हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखते हुए साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हुए अपनी रीजनिंग को बेहतर करने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिन सभी परीक्षाओं में रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी के दृष्टिकोण से यह रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सारे चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। उसके प्रश्न कैसे बनते हैं, उसका बेस क्या होता है, प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिटेल जो होता है, जो चीज़ आपको प्रश्न हल करने में सहायता करती है, उसको डिस्कस करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आपको एग्जांपल के माध्यम से पहले प्रश्न समझाया जाएगा, साथ ही साथ उसके बाद हम लोग उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं और अपनी रीजनिंग को बेहतर करने वाले हैं। तो क्लास को प्रारंभ करेंगे। पहला चैप्टर आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। यहाँ पर फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, हमको चार विकल्प दिया जाता है, जिसमें हमको चार विकल्प में चार अलग अलग वस्तुएं या चार अलग अलग स्थान या चार अलग अलग, जैसे फल हो गया, फ्रूट हो गया, ये अलग अलग पदार्थ जो हमको दिए रहते हैं, जिसमें से हमको उनकी गुण, उनकी विशेषता और तमाम बातों को मद्देनजर होते हैं, उनमें से एक को विशेष रूप से अंतर छाँटना होता है। और संख्याएँ भी दी रहती हैं, अल्फाबेटिकल आर्डर में भी चीज़ें दी रहती हैं। मतलब यहाँ पर इसका सीधी सीधी मतलब है कि वर्गीकरण करना। वर्गीकरण मतलब एक वर्ग, एक मतलब एक ग्रुप हमको दिया रहता है, एक समूह में चीज़ें हमको दी रहती हैं, उनमें से किसी एक को उनके विशेष गुणों के आधार पर छांटना होता है, जिसका इस चैप्टर में विशेष रूप से जो है हमको अध्ययन करना है। चलिए फ्रेंड, बाकायदा इसके अर्थ को समझते हुए, इसके भाव को समझते हुए, उसके महत्वपूर्ण नियम को समझते हुए हम लोग क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए पहले दिया वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। वर्गीकरण का तो सामान्य सा अर्थ होता है, वह होता है वर्ग करना। जी हाँ, क्या होता है, वर्ग बनाना या समूह बनाना। जी हाँ, मतलब क्या होता है, एक वर्ग बनाना मतलब एक विशेष वर्ग बनाना, मतलब एक समान जाति गुण धर्म वाली चीज़ों को एक जगह पर ले जाना, एक वर्ग बना, एक ग्रुप बनाना। साथ ही साथ इस अध्याय के अंतर्गत हमको चार विकल्प दिए होते हैं, जिनमें से तीन एक समान के एक समूह या वर्ग बनाते हैं। वही बात मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि तीन एक समान गुणों वाले होंगे जो एक वर्ग बनाएंगे, एक ग्रुप बनाते हैं, जबकि उनमें से एक उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होता है जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर होता है, हमारे प्रश्न का जवाब होता है। प्रश्नों को जो कि हल करने के लिए हमको सामान्य ज्ञान का कुछ मतलब जनरल जीके का जानकारी होनी चाहिए, जैसे जनरल साइंस, जनरल सोशल और मतलब जनरल चीज़ें आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, जो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने हमारी सहायता देती है। जैसे आपको सामान्य इतिहास की जानकारी, सामान्य भूगोल की जानकारी, सामान्य विज्ञान की जानकारी, सामान्य गणित की जानकारी और सामान्य साथ ही साथ सामान्य अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जानकारी, इसको मतलब सामान्य जानकारी आपको हर विषय वस्तु में दी है, तो आपके इस प्रकार के इस चैप्टर के आपके जो है प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। देखिए इसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम के बारे में देख लेते हैं हम लोग, इसके क्या क्या नियम महत्वपूर्ण होते हैं, उस नियम को देखते हैं। देखिए पहले देखिए शरीर के अंगों के संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे शरीर के अंगों के संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें जैसे ज्ञानेन्द्रिया आपको पहला जो है आधार है, आपको ज्ञानेन्द्रिय के आधार पर प्रश्न दिया गया। आप सभी को पता है ज्ञानेन्द्रियाँ पांच होती हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा। आँख कान नाक जीभ त्वचा, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ याद रखिएगा, आँख कान नाक जीभ त्वचा। अब जैसे प्रश्न आपसे पूछ दिया गया, चार ऑप्शन में दिया गया, आँख कान नाक जीभ, जीभ की बात फिर सॉरी आँख कान नाक दे दिया, एक मुँह दे दिया गया, आँख कान नाक मुँह, ठीक, आँख कान नाक मुँह दे दिया गया। तो आप जानते हैं आँख कान नाक जो है ज्ञानेन्द्रियाँ में सम्मिलित है, और जबकि मुँह अलग है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे और नेक्स्ट है अंत व बाह अंग के आधार पर, मतलब जैसे क्या होता है कुछ, जैसे मान लीजिए आँख, आपका आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, या आपका बाहरी अंग है वहीं आपका दे दिया, जैसे यकृत दे दिया गया या हृदय दे दिया गया, ये सब आंतरिक अंग है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप वहाँ पर हृदय को या यकृत को अलग लगा देंगे, ठीक है। शरीर में उपलब्धता के आधार पर, मतलब क्या सी चीज़ें जैसे शरीर में आपको उपलब्ध हैं, क्या नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें से जो है प्रश्न बनते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिया गया, उस एग्जांपल के माध्यम से हम अपने सारे डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये जो एग्जांपल हैं, ये जो प्रैक्टिस होती है वो इस सब्जेक्ट की जान होती है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आप एक बार सीख गए तो ईजिली आपको चीज़ों को पकड़ने लगते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो प्रैक्टिस का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे, उतना ही आपका जो है ये इसका जो इसके समझने का जो प्रोसेस होता है, इसको जो हल करने का प्रोसेस होता है, हल करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बिल्कुल कम होता चला जाता है, और आसानी से आप प्रश्नों को समझकर इजीली जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल हमको दिए गए, उन एग्जांपल को समझते हुए उसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम लोग आएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। जी हाँ, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, भिन्न शब्द का चयन करना है, भिन्न शब्द का हमको चयन करना है। जी हाँ, आँख दिया गया है, आँख है, कान है, पैर है,
त्वचा है, आँख है, कान है, पैर है, त्वचा है। तो निश्चित तौर से अभी मैंने इसको आपको बताया है, तो जाहिर सी बात है आपकी जवाब सही, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दी गई, क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग कि आँख, कान और त्वचा ये सारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, लेकिन पैर क्या है, पैर हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित नहीं है, जो कि इसमें भिन्न शब्द है, जो कि यहाँ पर भिन्न शब्द है। और विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, थर्ड इधर राइट आंसर। क्यों थर्ड अलग है, इस बात को आपको समझना है यहाँ पर कि भिन्न किस प्रकार से छाट रहे हैं, क्योंकि वही अगर आप सीख जाते हैं, आप भिन्न छाटना सीख जाते हैं, उसके आधार को आप अगर पता कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से वर्गीकरण चैप्टर, क्लासिफिकेशन चैप्टर का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आपको आधार पकड़ना होगा, आपको यहाँ पर भिन्न छाटना है। जी हाँ, अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, यहाँ भी भिन्न ही छाटने की बात हो रही है। आँख है, कान है, पैर है, फेफड़ा है। जी हाँ, आँख है, कान है, पैर है, फेफड़ा है। आपको बताना है यहाँ पर क्या भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए आधार हमने दूसरा, अभी आप दूसरा आधार लगाएंगे, जैसे हमने आंतरिक अंग और बाह अंग। तो जैसे आपको पता है आँख हमारा बाह अंग है, कान हमारा बाह अंग है, पैर हमारा बाह अंग है, जबकि फेफड़ा हमारा आंतरिक अंग है, जिसका उपयोग हम लोग सांस लेने में करते हैं। जी हाँ, जिसका उपयोग हम लोग सांस लेने में करते हैं, इसलिए इस प्रकार ये भिन्न हो गया। इसी प्रकार से हमको माइनर सा जो अंतर होता है, जिसके आधार पर हम लोग चीज़ों को अलग कर सकते हैं, उसी को छाटना, वही हमारा जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिए, एग्जाम्पल ग्रुप में हमको दिया गया है, आँख है, कान है, वृक्क है और हृदय है, चार चीज़ें हैं। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर देखिए अलग है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से आप बताएंगे। जैसे आँख है, कान है, नाक है, वृक्क है, हृदय है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जवाब सही होगा हृदय। क्यों? क्योंकि हृदय को छोड़कर अन्य सभी अंग जाड़े में पाए जाते हैं, थोड़े जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर गलत लिख दिया है, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आँख दो जोड़ा, मतलब आँख आप दो पाए जाते हैं, एक जोड़ा होता है, कान जोड़ा पाया जाता है, और जो वृक्क होता है, मतलब वृक्क को अगर आपको प्रॉब्लम हो रही समझ में, तो वृक्क को हम लोग कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं फ्रेंड? किडनी। वृक्क को किडनी की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए आँख, कान, नाक, वृक्क, ये सब जोड़े में पाए जाते हैं, लेकिन हृदय जो होता है वह व्यक्ति में एक पाया जाता है, इसलिए इस आधार पर। तो मतलब आपको तर्क करना होगा इस प्रश्न पर, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस माध्यम से चीज़ें अलग हैं, अलग छाट के हमको लिखना पड़ेगा। दूसरे नियम की तरफ पढ़ेंगे, पहला नियम आई होप आपका क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से इसमें जो है भिन्नता हम लोग छाटते हैं। दूसरा नियम पढ़ेंगे फ्रेंड, दूसरा नियम क्या है देखिए, चलिए जी हाँ, दूसरा है नियम जल से संबंधित। देखिए जल से संबंधित आधार पर जो हम यहाँ पर अलग छाटेंगे, यदि दिए गए प्रश्न में जल से संबंधित क्षेत्र या पानी की स्थिरता या गति के आधार पर पानी की विशालता के आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, ये नियम है। जैसे भिन्न शब्द छाटिए, एग्जाम्पल हमारे सामने नदी है, तालाब है, कुआं है, झील है। अब यहाँ पर हमको बताना है कि किस आधार पर जो है यहाँ पर कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग कितना मतलब किस तरीके से तर्क इसमें लगा सकते हैं। पहला क्या है, स्थिरता या गति के आधार पर। दूसरा विशालता के आधार पर भी हम तर्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो आधार पर हमको तर्क लगा के इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर नदी इस प्रश्न का सही जवाब। क्यों? क्योंकि नदी में क्या होता है, नदी को छोड़कर सभी स्थानों पर पानी स्थिर रहता है, जबकि नदी में पानी गतिमान रहता है। आप सभी को पता है कि तालाब में पानी स्थिर रहता है, कुएं में पानी स्थिर रहता है, झील में, क्योंकि क्या होता है ये एक सीमित क्षेत्र में होते हैं, जबकि नदी का क्षेत्र कोई सीमित नहीं होता है। इसमें जो जल रहता है हमेशा गतिमान रहता है, इसलिए इस आधार पर ये भिन्न है, इस आधार पर ये भिन्न है। यहाँ पर आप ये भी आधार लगा सकते हैं कि नदी इसमें सबसे विशालकाय तंत्र है, नदी का जो तंत्र है वह विशाल है सबसे, जबकि तालाब का, कुएं का, झील का, इसका तंत्र जो है छोटा होता है, लेकिन नदी का तंत्र यहाँ पर विशाल हो सकता है। इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट आप इस प्रकार से भी चयन कर सकते हैं। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड किस स्तर तक सोच सकते हैं आप, उस स्तर से सोचकर आप जो है जवाब, क्योंकि एक प्रश्न को हल करने के लिए कई माध्यम होते हैं, आप जिस भी माध्यम से जाएं लेकिन सही जवाब तक आप पहुँचें। तो इसी तरह आधार आपको दिया जा रहा है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो सके। अगला देखिए जैसे दिया है, फिर भिन्न छाटना है, नहर हो गया, तालाब हो गया, सोता हो गया, नाला हो गया। आपको यहाँ पर बताना है इसका जवाब सही क्या है। देखिए तालाब यहाँ इसका सही जवाब है, क्योंकि तालाब को छोड़कर अन्य सभी में पानी गति अवस्था में रहता है, इसलिए यहाँ पर तालाब इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। अगला है नदी है, नाला है, तालाब है, समुद्र है। यहाँ पर देखिए जवाब क्या सही है इसका, आप सभी को पता है कि समुद्र यहाँ पर जवाब सही है। समुद्र, क्योंकि नदी नाले में जो पानी की गति तालाब और समुद्र की गति की तरह पानी स्थिर रहता है, नदी नाले में पानी की गति तालाब समुद्र में पानी स्थिर रहता है। जी हाँ, इसलिए पानी की विशालता के आधार पर समुद्र हमारा इस तरह होगा। क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर हम इसमें जल की उपलब्धता देखें तो समुद्र में जल सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। इस आधार पर हम प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तर्क बहुत सारे हैं एक प्रश्न को हल करने के लिए, बाकायदा इसमें यह समझने की बात है किस आधार पर प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो प्रश्न होता है फ्रेंड, यह हमारे
प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि एक प्रश्न के विषय में हम क्या तत्काल रूप से क्षणिक रूप से सोच सकते हैं, उस आधार पर प्रश्नों का जवाब तुरंत हल हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। देखिए, सब्जी से संबंधित प्रश्न कुछ नियम हमारे, उसको देखेंगे कि सब्जी से संबंधित क्या क्या चीज़ें है। जी हाँ, जैसे सब्जी के अगर आधार पर हम देखें तो इसको थोड़ा सा, चलिए, जैसे सब्जी के संबंधित नियम है कि ज़मीन के अंदर देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर ये सब्जी, ज़मीन कौन कौन सी सब्जी ज़मीन के अंदर उगती है, कौन कौन सी सब्जी ज़मीन के बाहर उगती है, ठीक है, अथवा सब्जी और पौधे किस रूप में पाती हैं, ठीक है, इस आधार पर हम लोग उत्तर प्राप्त करते हैं। मतलब सब्जी और पौधे जो है किस रूप में आते हैं, ठीक है, जैसे वो जड़ होता है, उसका तना होता है, या जड़ का भाग हम लोग खाते हैं, तने का भाग खाते हैं, किसका ऊपर का भाग नीचे, मतलब तमाम प्रकार से हम प्रश्नों के माध्यम से जो भी जितने भी प्रकार के डाउट इस प्रकार के, मतलब सब्जी से रिलेटेड जितने भी डाउट प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इसका सबसे बेहतर अप्रोच होता है सीखने का, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये थियोरी जो इस ये जो चैप्टर है वह हमारा क्लियर होता जाएगा। इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेजेंट ऑफ माइंड हमको अपना अच्छा बेहतर बनाना है, जिससे इस प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, भिन्न शब्द का चयन करना है। ए है शलजम, बी है चुकंदर, सी है आलू और डी है टमाटर। अब आपको दिमाग लगाना है। देखिए, अभी यहाँ तो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रश्न भी करेंगे, तो वही सारा आपका सीखा हुआ ज्ञान जो है इस प्रश्न के लिए काम करेगा, इसलिए आपको दिमाग लगा के सोचना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, टमाटर को छोड़कर सभी कहाँ ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। अब ये तर्क को आप समझिएगा कि तर्क सही है गलत है, क्योंकि तर्क जो भी रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि तभी तो हम जवाब पहुँच पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि टमाटर जो है वह क्या होता है, वह तने में पड़ता है, मतलब उसकी जो शाखाएँ होती हैं उसमें टमाटर पड़ता है, बाकी शलजम, चुकंदर, आलू ये सारे क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर पैदा किए जाते हैं, मतलब ये सारे जो चुकंदर भी ज़मीन के अंदर होता है, शलजम भी और आलू भी, जबकि टमाटर क्या होता है, वो ज़मीन के ऊपर होता है, बाहर होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अलग आपको एक विशेष गुण के साथ चार्ट रखते हैं, विशेष गुण क्या होगा, टमाटर ऊपर पैदा होता है, मतलब जड़ के ऊपर पैदा होता है, तने के साथ लगा हुआ होता है, ठीक। आगे नेक्स्ट फिर भिन्न छाटना है, आलू हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, बैंगन हो गया। इसका देखिए क्या है, इसमें आलू क्या है वो भिन्न है, क्योंकि यह ज़मीन के अंदर होता है, बाकी सारे टमाटर हो गए, भिंडी हो गए और बैंगन हो गए, ये सारे ज़मीन के बाहर होते हैं। तो निश्चित तौर से देखिए ऐसे सरल सरल प्रश्न आपको मिलेंगे, और आई होप आप सबके जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब आपने बेसिक सीखा है तो निश्चित तौर से हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी आपको प्रश्नों को हल करने में। तो इसीलिए बेसिक से हम लोग इस क्लास को लेकर आए हैं, जो कि आपकी पूरी रीजनिंग की नींव को मजबूत करेगा, जो आपकी हर भर्ती परीक्षा संबंधित जहाँ पर रीजनिंग पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे यहाँ भी भिन्न छाटना है, अदरक है, प्याज है, लौकी है, टमाटर है। अब देखिए यहाँ पर लौकी क्या होता है, लौकी क्या होता है, लौकी को छोड़कर अन्य सभी पौधों में आते हैं, जबकि लौकी बेल में आती है, क्योंकि आप सभी, अब देखिए ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि लौकी का उत्पादन जिस प्रकार से होता है वह बेल प्रवृत्ति का पौधा होता है, क्योंकि उसकी जो तनाएँ होती है, जो शाखाएँ होती हैं, मतलब उसकी जो तने होती हैं वो क्या होती हैं, वो काफ़ी कतार में जाती हैं, जिस प्रकार से बेल का पौधा एक लंबी दूरी तय करके, मतलब लंबे रूप में विशाल क्षेत्र ग्रहण करके तब तत्पश्चात वो फूल बेल की तरह जैसे फलता है, उसी प्रकार ये बेल श्रेणी का पौधा है। मतलब बेल आपके इमेजिन आपने गांव में अपने आसपास अपने मतलब जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं आपने बेल का पौधा देखा, आपने लौकी का ही पौधा देखा होगा। भाई हम सभी लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हम सभी लोगों ने निश्चित तौर से लौकी का देखा होगा कि लौकी किस प्रकार से फलता है। तो लौकी जिस प्रकार से फलता है वह प्याज और अदरक और टमाटर से तो भिन्न ही होता है। इस आधार पर हम प्रश्न का जवाब देते हैं। जरूरी नहीं आपको थियोरी पता है, लेकिन आपने अपने आसपास परिवेश का तो अध्ययन किया है। आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे फसलों की खेती आप जानते भी हैं, उस तर्क का भी प्रयोग करके आप प्रश्न के जवाब दे पाएंगे, ठीक है। एक नियम या तो एक आधार आपके सामने है ना, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार के इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने में सहायता करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए दिया गया है आलू को छोड़कर। देखिए अगला है भिन्न, आप यहाँ भी छाटने, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लौकी हो गई, ये तो हो जगह है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अगले प्रश्न टाइप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। ये सारे इसके जो एग्जांपल हम लोग, अगला जो चौथा नियम है वो महीनों से संबंधित है, महीनों से संबंधित, जिससे क्या है, यदि दिए गए प्रश्न में महीनों के नाम हो तो दिनों के आधार पर सम या विषम महीनों के आधार पर उत्तर दिया जाता है। मतलब यदि दिए महीनों के नाम हो तो दिनों के, मतलब क्या, जैसे क्या है, आप सभी को पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है, बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न है, जिसमें से कुछ महीने 30 के होते हैं और कुछ महीने 31 के होते हैं। इस आधार पर भी इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। तो इस प्रकार के प्रश्न बेहद इजी होते हैं, देख लेते हैं, जाइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखिए,
भिन्न छाटना है हमें, जनवरी है, जुलाई है, अगस्त है, फरवरी है। बिल्कुल सरल सवाल है, क्योंकि फरवरी भिन्न आप सभी को पता है। जनवरी, जुलाई और अगस्त इन सभी में 31 दिन, मतलब 31 दिन होते हैं इस महीनों के, टोटल दिनों की संख्या 31 होती है, लेकिन फरवरी में 28 या 29 होते हैं। अगला है भिन्न, यहाँ भी छाटना है। जनवरी हो गया, मार्च हो गया, सितंबर हो गया, अप्रैल हो गया। अब यहाँ भी छाटना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब बताना। देखिए, आप सभी को पता है कि जनवरी और मार्च, जी हाँ, जनवरी और मार्च में 31 दिन होते हैं, जबकि सितंबर और अप्रैल में 30 दिन होते हैं। किंतु सम अंक वाला महीना यहाँ पर जो है, किंतु जो है सम अंक वाला महीना यहाँ पर अप्रैल है। बाकी सारे का नंबर मतलब सीक्वेंस आता है, जैसे ये एक पर होता है, इसका क्रम है एक, इसका क्रम है तीन, और इसका क्रम है आपका देखिए 9, ठीक है, अगस्त सितंबर 9, जबकि यहाँ ये अप्रैल, मतलब इसकी जो क्रम है ये सम प्लस पे आता है, इसका मतलब प्लेस अगर देखेंगे तो सम आता है, मतलब इवन प्लेस पे होता है, और ये सारे ऑड प्लेस पे होते हैं। इस आधार पर भी प्रश्न के जवाब दिए सकते हैं। तो मतलब यही सारे आधार आपको पकड़ना है कि कौन कौन सा आधार हम लोग अपना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सामान्य तरीके से प्रश्न हल नहीं होता है, उसके लिए आपको इन्हीं सारे नियम को जानने की जरूरत होती है, जिसको आधार लगाकर हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे नियम नंबर 5 पढ़ेंगे, तो देखेंगे नियम नंबर 5 क्या है। यदि देखिए, पहला, यदि दिए गए विकल्प में नाम दिए जाते हैं तो स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है, किंतु नाम विशेष में तथ्य हो तो उसके साथ उसके आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, प्रश्नों के माध्यम से डाउट क्लियर होंगे क्या कह रहा है। भिन्न छाटना है, मोहन हो गया, सुरेश हो गया, सीमा हो गया, राहुल हो गया। देखिए, अब ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि मोहन पुल्लिंग है, सुरेश भी पुल्लिंग है, और राहुल, मतलब ये सब किसी की पुल्लिंग का नाम है, मतलब किसी पुलिंग का नाम है, किसी बच्चों का, मतलब किसी लड़के का नाम है। लेकिन यहाँ सीमा जो है किसी लड़की का नाम है, इस आधार पर यह अलग है, क्योंकि सीमा को छोड़कर सीमा एक स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुलिंग है, बाकी सभी पुरुष हैं। सीमा जो नाम है वह स्त्री जाति का बोध करा रहा है, जबकि मोहन, सुरेश, राहुल ये सारे पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए अलग हो गया। भिन्न यहाँ पर छाटना है, महात्मा गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, राजीव गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। अब ध्यान से आपको बताना है, देखिए महात्मा गांधी यहाँ पर भिन्न है, लेकिन सरनेम सबका गांधी है, लेकिन महात्मा गांधी भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी क्या हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। या इस आधार पर एक आधार इसका और भी हो सकता है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन सब में कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन महात्मा गांधी में किसी भी प्रकार का इन सब से रिलेशन नहीं है। महात्मा गांधी का परिवार अलग है, लेकिन इन सभी में किसी न प्रकार का ब्लड रिलेशन है, इस आधार पर भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आधार बहुत सारे होते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, जो आधार आप लगाएं, जवाब आपका कई बार 2-3 आधारों से उत्तर आपका एक ही आता है, तो 2 आधार आप लगा सकते हैं। अगले नियम की तरफ पढ़ेंगे, अगला नियम क्या है देखते हैं। यदि दिए गए विकल्प में संगीत यंत्रों के नाम दिए गए हों, जैसे तार द्वारा उत्पन्न, जैसे मतलब क्या है, यदि दिए गए विकल्प में संगीत यंत्रों के नाम दिए गए हैं तो तार द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाला नियम लगता है, जैसे सितार दिया गया है, बीड़ा दिया गया है, पियानो दिया गया, गिटार दिया गया। अब आपको यहाँ पर बताना है, देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा अलग है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके, देखिए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद इसके हाल की तरफ आएंगे। देखिए क्या क्या था, सितार था, बीड़ा था, पियानो था, और यहाँ पर गिटार था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए चलिए यहाँ पे क्या था फ्रेंड, यहाँ पे जो था वह क्या है, पियानो अलग था, क्योंकि पियानो को छोड़कर अन्य सभी क्या है, तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वीड़ा हो गया, जो गिटार हो गया, ये सब सितार जो हो गया, ये सब सारे क्या है, स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग बेस आके इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इनका इनमें जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो तार से। जबकि क्या होता है, पियानो जो होता है वो बाकायदा जो है हाथ से बैठ कर जो है वो बटन के माध्यम से वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, इसलिए ये अलग हो गया। अगला देख दिया गया नियम नंबर 7 आपको देखना, आप छोटे छोटे नियम हैं। यदि ये दिए गए हथियारों के नाम हो तो अस्त्र शस्त्र आधार पर उत्तर दिया जाता है, अस्त्र शस्त्र के आधार पर उत्तर। जैसे देखिए देखिए, बंदूक हो गया, ठीक है, पिस्तौल हो गया, तलवार हो गया, राइफल हो गया। अब इसमें बताइए क्या अलग है। देखिए इसमें तलवार अलग है, ठीक है, तलवार अलग है, क्योंकि और अन्य सभी शस्त्र हैं। अन्य सभी क्या हैं, शस्त्र हैं, मतलब शस्त्र मतलब क्या होता है कि जिनमें से देखिए बंदूक हो गया, पिस्तौल हो गया, राइफल हो गया, इन सभी से क्या होता है, मतलब जिसे कहते हैं इनमें से ऑब्जेक्ट जो भी, जैसे इसे गोली क्या है, जैसे जो फेंक कर, मतलब कहते हैं शस्त्र का मतलब जो फेंक कर चला जाता है, शस्त्र मतलब जो होता है जो फेंक के चला जाता है, उस प्रकार के हथियार को हम लोग शस्त्र की श्रेणी में रखते हैं, और जो हाथ में लेकर चला जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली क्या होती है, अलग हो रही है, मतलब वो शस्त्र का रूप में काम कर रहा है।
तलवार पिस्तौल से भी गोली अलग हो रही है वह फेंककर मतलब क्या शस्त्र का काम कर रही है, और राइफल से भी गोली अलग हो रही है ये शस्त्र का काम कर रही है, लेकिन वहीं तलवार को हम हाथ से लेकर युद्ध करते हैं इसलिए अस्त्र का काम कर, अस्त्र मतलब हाथ से जो हम हाथ में पकड़ते युद्ध कर, जैसे अस्त्र हो गया मतलब अस्त्र में तलवार हो गया, भाला हो गया, चाकू हो गया, ये सारे अस्त्र के श्रेणी में आते हैं। अगला नियम, यदि दिए गए विकल्पों में प्राणियों के नाम जैसे शाकाहारी मांसाहारी आधार पर अलग कर सकते हैं, पालतू या जंगली के आधार पर अलग कर सकते हैं, अंडज और अस्थाई स्तनपाई मतलब क्या है कि अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले के आधार पर भी हम आप जानवरों को अलग कर सकते हैं। इनके कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे दिया है पहला प्रश्न आपको, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, व्हेल और सांप है। देखिए यहाँ पर व्हेल अलग है क्योंकि बाकी सारे अंडज हैं, जैसे कि मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप ये सारे अंडे देते हैं, जबकि व्हेल क्या होता है वह स्तनपाई है मतलब स्तनपाई है वो बच्चे देता है। विकल्प नंबर 30 का सही जवाब हो गया इस आधार पर। आगे बढ़ेंगे अगले नियम की तरफ। जी हाँ, अगला नियम हमारा है, जी हाँ चलिए दूसरा यहाँ पर आ गया हमारा भाग दो। अभी तक तो हम लोगों ने अलग अलग आधार पर नियम को सीखा, अब भाग दो हमारा आ गया है उसके आधार पर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। जी हाँ, ये भी आधार हमारे प्रश्नों को हल करने में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पर, भिन्न संख्या और अक्षर समूह को ज्ञात करना है, भिन्न समूह और अक्षर मतलब भिन्न संख्या और अक्षर समूह को ज्ञात करना है। जैसे चार अंक आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, संख्या या अक्षर के समूह दिए होते हैं जिनमें क्या होता है तीन में आपस में संबंध होता है और एक अलग होता है, जिसमें बताना होता है कि यहाँ प्रश्नों को समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए। पहले देखो वर्ग पर आधारित प्रश्न, ठीक है, चार विकल्प आपको दिया जाएगा मतलब चार आपको संख्याएँ दी जाएगी जिसमें कोई ना कोई किसी का वर्ग होता है, उसको छाड़कर आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, 16 हो गया, 80 हो गया, 49 हो गया और 81 हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पर 16 चार का वर्ग है, 49 सात का वर्ग है, 81 नौ का वर्ग है, 80 किसी का वर्ग नहीं है, उत्तर हो जाएगा। और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, घन को भी आधार बनाकर प्रश्न बनता है, जैसे 27 हो गया, 64 हो गया, 729 हो गया, 500 हो गया, तीन का घन है 27, चार का घन है 64 और नौ का घन है 900 729, 500 किसी का घन नहीं जवाब हो जाएगा। और सारे देख लेते हैं और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं अंकों पर आधारित, जैसे अंकों के योगफल पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं, अंकों के योग को भी आधार बांधकर जो है प्रश्न में हल किए जाते हैं, 136, 244, 324 और 516। देखिए 136 को जोड़ा 10 आया, ठीक, 44 मतलब 244 को जोड़ा तो 10 आया, ठीक, 324 को जोड़ेंगे आप देखिए कितना आया, 3 2 5 4 9, इसको जोड़ेंगे आप 9 आया, अब 5 1 6 4 10 इसको भी जोड़ें आप 10 आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर यह अलग हो गया, इस भी आधार पर आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले देखिए भाजकता के अनुसार भी प्रश्न हल किए जाते हैं, जैसे 117 13, 162 18, 171 19 और 16 304। तो देखिए 117 13 कट जाएगा, 162 18 कट जाएगा, 171 19 कट जाएगा, 304 16 से नहीं कटेगा। जी हाँ, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, तो ये देखिए सॉरी इसमें थोड़ा सा और एक लॉजिक लगा हुआ है क्योंकि 16 से ये भी कट जाएगा, इसमें लॉजिक थोड़ा, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या भाग देने पर भागफल न होता तब में हमें क्या भागफल, जैसे 13 9 170 होता है यहाँ पे भी 9, 18 9 162 ये भी 9 और 19 9 171, लेकिन 13 से यदि आप जो है भाग देते 304 में तो हमें भागफल में 19 प्राप्त होता है जो कि गलत हो जाता है। इस आधार पर भी प्रश्न हल किए जाते हैं। आगे अंकों की पुनरावृत्ति पर भी प्रश्न हल किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 9345, 7246, 9656, 8739। यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए संख्या जो है 9656 में 6 दो बार आया है जबकि अन्य सभी संख्याओं में किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं है। इस आधार पर भी प्रश्न, ये सारे आधार आप लोग समझते चलिएगा और इन सारे आधार को आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा, इस आधार पर मतलब हमको इस प्रश्नों को हल करते समय ये सारे जितने भी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सारे मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे मेथड का यूज करके आपको प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। देखिए मतलब रीजनिंग का कोई और ऑप्शन नहीं है, किसी भी आधार पर प्रश्न सही हो सकता है, आयोग किसी भी आधार पर उत्तर को सही मान सकता है, इसलिए नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिना नियम के यदि आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको निश्चित तौर से थोड़ा सा उलझ जाएंगे, लेकिन यदि आपको नियम की जानकारी है तो प्रश्न को हल करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। यदि आपको क्लास पसंद है फ्रेंड, क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है और यदि आप क्लास को लाइक कर रहे हैं तो हमारा जो है चैनल आप जो है ई लर्निंग विद दुर्गेश को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और हमारे इन ऐप को इंस्टॉल करके आप समस्त क्लास संबंधी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी नोट्स को आप ऑनलाइन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं, घर बैठे
हस्तलिखित एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी परीक्षा के लिए हैंड रिटन नोट्स हमारे यहाँ पूरी तरीके से अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, एक नंबर दिया गया 6306304 और 4367, इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करके किसी भी भर्ती परीक्षा संबंधित नोट्स यदि आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके घर बैठे अपना नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले नियम की तरफ पढ़ेंगे फ्रेंड, देखिए अगला नियम क्या है इसको देखेंगे। सम या विषम का भी तर्क इसमें लगता है कभी कभी, जैसे 243 है, 95-38 है, 723 है और 86-74। देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन 723 को छोड़कर सब क्या है, 723 विषम है, बाकी सभी संख्याएं सम है, तो इस आधार पर भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे देखिए अगला जो हमारा टाइप है वह है अभाज्य संख्या का भी एक आधार ले लेते हैं। अभाज्य संख्या वाला प्रश्न आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है। देखिए 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9 जो है यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 7, 3, 2 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इस आधार पर 9 हमारा सही जवाब है। आरोही और अवरोही क्रम वाला भी प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है। 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 2, 5, 6, 7, 8। देखिए आरोही और अवरोही क्रम वाला प्रश्न प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 3, 4, 6, 7 को छोड़कर सभी संख्याओं के जो अंक हैं वह बढ़ते क्रम में हैं, लेकिन 3, 4, 6 में वह घटते क्रम में। देखिए 2, 4, 5, 6 ये सब बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। 1, 2, 3, 5 ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यह 3, 4, 5, 2 के बाद यह डिसेंडिंग, मतलब ये इसका जो क्रम यहाँ पर बढ़ता नहीं है, लेकिन और इसमें भी बढ़ रहा है क्रम, 5, 6, 7, 8 इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें जो है घट रहा है। इस आधार पर प्रश्न को सही पर सही जवाब आप दे सकते हैं, आधार ये भी आप अपना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में का एक समूह बना उनमें से एक भिन्न है। इसे देखिए नोड हो गया, एबव्ड हो गया, एबोर्ड हो गया, साई हो गया, एक क्रॉस हो गया। इनमें देखिए क्या है, सी जो है वह सबसे अलग है, विकल्प सी, बाकी सभी स्वरों में एक से अधिक स्वर है, बाकी सभी जो विकल्प है उसमें एक से अधिक स्वर है। देखिए आप देख लेते हैं, देखिए नोड में क्या है, ओ स्वर है और ईश्वर है, और एडोर्ड में क्या है, ए स्वर है, ओ स्वर है और ईश्वर है। साई में देखिए एक भी स्वर नहीं है, एक भी स्वर नहीं है। एक क्रॉस में ए सी ओ तीन तीन स्वर है, तो देखिए साई में कोई भी स्वर नहीं, इसलिए जवाब सही हो जाएगा। आगे अगला आधार देखते हैं, देखिए इसमें भी क्या छाटना हमको, देखिए छाटना है ए वाई बी जेड, बी एक्स सी वाई, डी वी ई डब्ल्यू, एम पी ओ एन। यहाँ पे देखिए क्या है, बाकी की देखिए डी यहाँ पर अलग है, किस प्रकार से अलग है, क्योंकि बाकी के दो दो अक्षर जो वर्ण सीधे रूप से उल्टे रूप को एक छोड़कर एक के रूप में लिखे हुए, जैसे डी इस प्रकार से लिखा नहीं है। जैसे क्या दिया है, जैसे दिया है मतलब ए का जो उल्टा 26 होता है, ए का जो मतलब ए का उल्टा जेड होता है, लेकिन जेड से एक कम वाई लिखा है। बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, ठीक है, बी का उल्टा क्या होता है, एक बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, लेकिन एक बढ़ा के लिखा गया है। इसी प्रकार देखिए बी का क्या होता है, यहाँ पर बी का उल्टा वाई होता है लेकिन एक कम, और सी का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर डब्ल्यू होता है, सॉरी एक्स होता है, एक बढ़ा के वाई लिखा गया। और इसी प्रकार देखिए इसमें डी में भी वही पर काम किया गया है, लेकिन यम में वो चीज़ फॉलो नहीं होता, क्योंकि यम का उल्टा क्या होता है, यम मतलब होता है, देखिए यम का होता है, आप अगर उल्टा करेंगे तो यम का यन होता है उल्टा, ठीक है, यन ओ ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी आ गया, इसलिए गलत हो गया। इस आधार पर भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, देखिए ट्रेन दिया गया है, प्राउड दिया गया है, वाइट दिया गया, फ्लोर दिया गया है। देखिए वाइट को छोड़कर अन्य सभी में स्वर के साथ, स्वर के साथ साथ, मतलब वाइट को छोड़कर अन्य सभी में स्वर साथ साथ हैं, जबकि वाइट में क्या है, स्वर एकांतर क्रम में है। देखिए ट्रेन में ए आई दोनों स्वर साथ में हैं, ठीक है, प्राउड में ओ यू दोनों स्वर साथ में हैं, वाइट में देखिए वाइट में एक ही स्वर है, देखिए आई है इसके बाद ई यहाँ क्रम है, लेकिन फ्लोर में ओ यू ये दोनों में स्वर साथ में है, ठीक है, इस आधार पर भी ये सही हो सकता है। अगला ए हो गया, ई हो गया, एच हो गया, जेड हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या अलग है, किस प्रकार से, देखिए ई क्या है, वह ई को छोड़कर सभी तीनों रेखाओं में, तीनों रेखाओं में अक्षर का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, तीनों अक्षर में रेखाओं में अक्षर का निर्माण किया जा सकता है। मतलब ई क्या है, देखिए देखिए ए में क्या आता है, देखिए ए को बनाने में तीन अक्षर है, तीन मतलब तीन लाइन, 1, 2, 3। एच को बनाने में देखिए तीन लाइन का प्रयोग हुआ है, 1, 2, 3। जेड को भी बनाने में देखिए तीन लाइन, 1, 2, 3 लाइन का आप लोग प्रयोग, जबकि ई को बनाने में 1, 2, 3 चार लाइन लगा, इस आधार पर भी ये अलग है, चार रेखाएँ का प्रयोग करके ई को बनाया गया है, जबकि सारे में तीन तीन रेखाएँ होंगी। अगला है नेक्स्ट देखे दिया गया है, डीयर हो गया, टीयर हो गया, सीयर हो गया और वीयर हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सीयर को छोड़कर अन्य सभी अर्थपूर्ण हैं, मतलब सीयर का कोई अर्थ नहीं, डीयर का अर्थ होता है प्रिय, टीयर का अर्थ होता है आशु, और
सियर का कोई अर्थ नहीं, बियर का अर्थ होता है पहनना। मतलब देखिए इन सभी की ये सारे जो शब्द हैं वो अर्थपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ सियर का कोई अर्थ नहीं, इस आधार पर ये भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी ई आर हो गया, के एन आई पी हो गया, डी एल ई आई एफ हो गया और एन डबल ई आर जी हो गया। देखिए यहाँ पर डी एल एफ क्या है, वह अन्य सभी रंगों के नाम है। ठीक है, डी एल एफ मतलब क्या है कि डी एल आई एफ को छोड़कर अन्य सभी रंगों के उल्टे क्रम है। जैसे क्या है, डी आर जो डी ई आर जो रेड का उल्टा है, और के एन आई पी पिंक का उल्टा है, और जी आर डबल ई एन ये ग्रीन का उल्टा है। लेकिन यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है वह किसी भी रंग का विपरीत नहीं, इसका यदि आप उल्टा करेंगे तो फील्ड बनेगा जो कोई भी रंग नहीं होता है। इस प्रकार से यह सही है। तो इसी ये जो आज हम लोगों ने इसके नियम पर इसके आधारों पर चर्चा की कि किस प्रकार से वर्गीकरण के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, तो ये सारे महत्वपूर्ण नियम और एग्जाम्पल आज हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया है। कल हम लोग इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो ये था आज का आपका क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया है। यदि क्लास आपको बेहतर लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी साथियों तक। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।